Assalamu alaikum dear students, how are you? Today we are going to study the use of conjunctions and specifically the word and. This topic has been selected from the Oxford Broadway English grade 3 book, page number 33. Students, look at these sentences. The girls grew up and got married. And the second sentence is, he left her and ran to the next village. In both the sentences, you can see the word and, which is written in between the two sentences. This word and is conjunction. And if you look at the picture, here you can see that there are so many railway tracks which are joined together into one track. मुख्तलिफ ट्रैक्स जिस पॉइंट पर मिलते हैं उस पॉइंट को हम जंक्शन कहते हैं. तो ये जो कंजंक्शन है ये बिल्कुल ऐसा ही काम करता है पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर, बिकॉज इट इज अ जॉइनिंग वर्ड. ये ज्वाइन करता है वर्ड्स को, फ्रेजेस को और सेंटेंसेस को. तो कंजंक्शन के अंदर जो एड का इस्तेमाल है, आज हम ये सीखेंगे. हम एंड को मुख्तलिफ सेंटेंसेस को मिलाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हियर आर टू सेंटेंसेस, द गर्ल्स ग्रू अप, ये एक जुमला है. द गर्ल्स गॉट मैरिड, ये सेकंड सेंटेंस है. जब हमें इन दोनों जुमलों को मिलाना होगा तो सेकंड सेंटेंस में आने वाला जो सब्जेक्ट है यानी कि द गर्ल्स, तो हम इस सब्जेक्ट को मिस कर देंगे, इसको ओमिट कर देंगे और इसको हमने नहीं लिखना और इसकी जगह पर एंड लगाएंगे, जो हमारा ये कंजंक्शन है. ठीक है, तो हमारे पास जो नया जुमला बनेगा वो कुछ इस तरह से होगा, द गर्ल्स ग्रू अप एंड गॉट मैरिड. सेकंड, ये जो हमने एंड के बाद सब्जेक्ट है इसे ओमिट कर दिया है, इसको नहीं लिखा. इफ यू लुक एट द सेकंड एग्जांपल, हियर आल्सो वी हैव टू सेंटेंसेस, he left her and the second sentence is he went to the next village. अब second sentence में ये जो he है, अगर हम and लगाते हैं तो हम फिर इस he को नहीं लिखेंगे और and के बाद directly went से जुमला शुरू कर देंगे. तो ये दोनों जुमलों को हम मिलाकर एक लंबा जुमला बना देंगे, वो उस तरह की शक्ल में आएगा, he left her and went to the next village. Okay, now check your concepts. We have an activity. In this activity, you have to join two short sentences to make a longer sentence using and. So, आपने दो छोटे जुमलों को and के जरिए मिलाना है और एक नया जुमला बनाना है. एक सेंटेंस आपके पास ये नजर आ रहा है, टीना बॉट अ न्यू ड्रेस, और इसके सामने दूसरा जुमला है, टीना वोर इट टू द पार्टी. तो अभी तक जो मैंने आपको रूल बताया था कि आपने एक तो फुल स्टॉप हटाकर एंड लगाना है और सेकंड जुमले का जो सब्जेक्ट है उसको ओमिट कर देना है. तो आपने ये जुमला अपनी कॉपीज के ऊपर लिख कर इसको एंड लगाकर आपने इसको कंबाइन करना है. इसी तरह से आपके पास एक नेक्स्ट पेयर ऑफ सेंटेंस है, द मैन जंप्ड इनटू द रिवर, द मैन सेव्ड द बॉय. इसको भी आपने इसी तरह से फुल स्टॉप हटाकर एंड लगाकर जो रूल आपको बताया गया है उसके अकॉर्डिंग आपने मिलाना है. Now the third pair of sentences is my father put the book down. Second sentence is my father went out of the room. तो आपने इसको भी and लगाकर मिलाना है. तो and हमारे पास conjunction है जिसको मिलाकर हम लोग दो छोटे sentences को एक लंबे sentence में मिला सकते हैं. इसी तरह से चौथा और पांचवा sentence भी दिया गया है, आपने इसको भी copy के ऊपर लिखकर इनको conjunction and के जरिए मिलाकर लिखना है. Thank you students.